ये एसी सारे मर गए क्या? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग अजीत यादव। चलते हैं दोस्तों और आगे की क्लास में बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कराधान प्रणाली। और दोस्तों अभी तक की क्लास में हमने बात कर ली कि टैक्स होता क्या है और कर किसे कहते हैं। फिर हमने बात की टैक्स को, टैक्स में बहुत सारी बातें हुई हमारी। गुड मॉर्निंग मनोज कुमार सिंह। और इसके बाद हमने बात कही कि टैक्स है क्या और टैक्स किसे कहते हैं। और फिर हमने बात की कि टैक्स में आगे हमने बात की कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स की बात की। फिर उसके बाद हमने जब तक ये गेट खोली थी हो रहा है, तो फिर हमने बात की इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, मतलब कर का लागू होना और कर का भुगतान करना। फिर हमने बात की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। फिर उसके बाद फिर हमने बात की प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की। राइट भाई, जो उस रूम में रखा हो ये इस रूम में। फिर हमने बात की प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस की। तो अब दोस्तों आगे बात करते हैं और आगे की क्लास जरा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, इसके अलग टैक्सेस हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, नहीं सही सही ना दोस्तों, नहीं नहीं एकदम सही, परफेक्ट। आप चिंता ना करें, अभी चलेगा। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारे हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। राइट ना, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, तो अभी जरा इनको एक एक करके अच्छी तरह देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। राइट नाउ, इसमें सबसे पहले आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इनकम टैक्स, वो है आयकर। दोस्तों इनकम टैक्स, आयकर क्या होता है शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स क्या है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को एक बेहतरीन ज्ञान दिया जाएगा कि आखिर इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, इनकम टैक्स का भुगतान कैसे होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं उनको ज़रा ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स का मतलब है एक वो टैक्स जो जिसके ऊपर इनकम पर लग रहा है वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स को दे रहा है, भुगतान कर रहा है। राइट, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। अब दोस्तों जो इनकम टैक्स, अब हम सीखेंगे सबसे पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, इनकम टैक्स मापना।
उसमें हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो टैक्स स्लैब है वो वर्तमान में क्या चल रहा है। तो वर्तमान में जो टैक्स स्लैब है वो चल रहा है कि यदि किसी की इनकम अप टू रुपीज़ 2.5 लाख है, अगर किसी की इनकम अप टू रुपीज़ 2.5 लाख है तो उसका इनकम टैक्स हो गया क्या, निल, कुछ नहीं लगेगा। दूसरा दोस्तों कि अगर ये साल की आय है, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख, देन इट इज़ 5%। तो दोस्तों अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो उसकी इनकम 5% है, राइट, और इनकम का 5% टैक्स देना है। और अगर किसी की इनकम रुपीज़ 5 लाख से रुपीज़ 10 लाख है, क्या है ये अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे, पहले सिर्फ सुन लीजिए। दोस्तों 5 से 10 लाख है तो उसकी इनकम का 20% इनकम टैक्स है, और यदि किसी की इनकम 10 लाख एंड अबव, 10 लाख से ऊपर है, देन इट इज़ 30%। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट इनकम टैक्स स्लैब इन आ कंट्री, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान इनकम टैक्स स्लैब, और ज़रा इसे थोड़ा और अच्छे से सीखें और अच्छे से जानें, ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये हो गया इनकम टैक्स स्लैब, आगे देखिए क्या, तो आगे ये कि ये तो हो गया हम लोगों के लिए। अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन का मतलब है लिमिट क्या होंगे सब बताएंगे, पहले सुनते जाओ। अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, जो लोग 60 प्लस हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये 2.5 की जगह 5 लाख, नहीं 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए तक निल है, और 3 से 5 लाख 5%। और हर स्लैब में, चाहे हम लोग हों या सीनियर सिटीजन हों या कोई और, दोस्तों 5 से 10 हमेशा 20, 10 से ऊपर हमेशा 30, राइट। और दोस्तों जो सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है दोस्तों 80 प्लस, मतलब जिनके पैर बिल्कुल कवर में लटक गए, दोस्तों 80 प्लस के लिए क्या ये 5 लाख तक निल है, 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। तो ये है वर्तमान में इनकम टैक्स का स्लैब हमारे हिंदुस्तान में। अब ये क्या मतलब है इसे समझिए, और कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, और एक व्यक्ति कितना इनकम टैक्स पे करता है, कैसे पे करता है, कैसे कई लाख रुपए का इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, ये सारा ज्ञान इस क्लास में मिलेगा, उसे ध्यान से सुनते जाइए। बस देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पर अब समझ, सपोज करिए अब आपको सिखाते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, क्या सिखाते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, और ये इनकम मंथली नहीं, ये एनुअल इनकम है, मैंने बताया स्टार्टिंग में। देखिए दोस्तों मान लो मेरी इनकम है 12 लाख रुपए पर एनम, मेरी इनकम है 12 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष, अर्थात सरकार मुझे, और सरकार क्या, सरकारी नौकरी तो करता नहीं हूँ मैं दोस्तों, अगर मुझे मान लो ये टाइम्स कोचिंग 1 लाख रुपए महीना देता है, और मैं इनके यहाँ कर रहा हूँ जॉब, कर रहा हूँ नौकरी, तो अब मैं कितना इनकम टैक्स पे करूँगा, कैसे पे करूँगा, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, इन सबको ज़रा डिटेल में देखिए और ज़रा समझिए। तो दोस्तों 12 लाख रुपए मेरी साल की इनकम है, एवरीबॉडी कितनी इनकम है, 12 लाख, राइट नाउ। तो अब देखिए दोस्तों कितना टैक्स पे करना होगा, तो ये मैंने ऐसे 1 लाख रुपए से लेकर हर महीने 1-1 लाख 12 महीने में 12 लाख रुपए कमाए, बोलो जी क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। सरकार ने कहा देखो भाई भरत एक काम करो, ऊपर के जो अप टू 2.5 लाख रुपए तुम कमा रहे हो उस पर हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है शुरू के 2.5 लाख रुपए तक, ऊपर के जो 2.5 लाख हैं, मतलब ये शुरू होता है अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक। तो दोस्तों जो अप्रैल मंथ में, मार्च मंथ में, या जो भी शुरू में 2.5 लाख रुपए मैंने कमाए, सरकार ने उस पर मुझसे कोई टैक्स नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स क्या है दोस्तों, निल है। अब सरकार ने कहा 2.5 लाख से लेकर 5 लाख अगर आप कमाएंगे साल के, तो हम आपसे 5% लेंगे। तो दोस्तों ये 2.5 लाख से 5 लाख जो मैंने कमाया, चूँकि जल्दी बताइए 2.5 से 5 लाख के बीच में कितने लाख आए, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख रुपए आए, और इस 2.5 लाख रुपए का 5%
2.5 लाख रुपए का 5% जल्दी से बताइए दोस्तों कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए का 5% हो गया 12,500 रुपए। दोस्तों 12,500 रुपए ये हो गया। अब जरा ध्यान से सुनते जाना, सरकार ने कहा 5 से 10 लाख आप जो भी साल भर में कमाएंगे हम उसका 20% आपसे टैक्स लेंगे। तो 5 से लेकर 10 लाख आप जो भी कमाएंगे उसका 20%, 5 से 10 लाख कितने लाख हुए, 5 लाख, 5 लाख का 20% दोस्तों कितना हुआ 1 लाख। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ 1 लाख, राइट। और दोस्तों सरकार ने मुझसे कहा, जरा ध्यान से सुनिए, सरकार ने मुझसे कहा कि अगर 10 लाख से ऊपर, यहाँ देखिए 10 लाख एंड अबव, 10 लाख से ऊपर आप जितना भी कमाएं मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस उसका 30% चाहिए। तो 10 से ऊपर हमारे कितने लाख हो गए, 2 लाख, 2 लाख का 30% कितना हो गया दोस्तों 60,000, 2 लाख का 30% कितना हो गया 60,000। तो एक तो हो गया 12,500, एक हो गया 1 लाख और एक हो गया 60,000। तो इसका मतलब इन तीनों को टोटल जोड़ दो तो मेरी इनकम टैक्स, अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए साल की है तो मुझे 1,72,500 टैक्स पे करना है। तो ये है हमारे हिंदुस्तान का इनकम टैक्स स्लैब और इनकम को कैलकुलेट करने, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका, राइट ना। हाँ, केम मोहर जी पूछ रहे हैं कि सर अगर आपकी सैलरी आपको कैश, क्या कैश नहीं कैश, कैश में मिले और आप इसे अकाउंट में ना डालें तो क्या आपको टैक्स देना होगा, बिकॉज वो तो गवर्नमेंट की नॉलेज में तो नहीं है। तो केम माहौर, तो उस पर मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा, और चूंकि वो मैंने ब्लैक मनी लिया है क्योंकि वो कैश में सैलरी ली है, इसका मतलब ना तो देने वाले ने सरकार को बताया ना लेने वाले ने बताया, तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ना, ना। और ये एक इलीगल काम है दोस्तों। अगर मान लो 12 लाख मेरी इनकम है तो मैं 1,72,500 रुपए क्या दे रहा हूँ टैक्स। अब आपको सिखाते हैं थोड़ा सा और ज्ञान, और आपको दो टर्म्स का ज्ञान देते हैं दोस्तों। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, एवरीबॉडी क्या बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं टैक्स एवेजन। सो व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस, व्हाट इज टैक्स एवेजन, तो जरा समझना। दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज विच आर वेरी ऑफनली यूज इन द टैक्सेशन सिस्टम, वन इज टैक्स अवॉइडेंस, अनदर वन इज टैक्स एवेजन। दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है क्या, जरा ध्यान से सुनिए, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि वो लीगल, वो कानूनी तरीके जिनको हम यूज़ करें और कई लाख रुपए की इनकम पर टैक्स पे करने से बच जाएं, तो उसे हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अर्थात सरकार ने कुछ ऐसे लीगल तरीके बना रखे हैं, कुछ ऐसे कानूनी तरीके दे रखे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और कई लाख रुपए की इनकम पर टैक्स पे करने से बच सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं टैक्स एवॉइडेंस। अब कैसे ये होता है तो ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। टैक्स एवेजन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे तरीकों का प्रयोग करना जो इलीगल हैं, जो गैर कानूनी हैं, और अपनी इनकम को टैक्स पे करने से बचा लेना। जैसे कि यही जो आपने कहा कि सैलरी कैश में मिले तो मैंने अपनी इनकम को टैक्स एवेड कर लिया, तो इसको बोलते हैं कर चोरी। तो दोस्तों मैं आज की क्लास में अभी आपको टैक्सेशन में इनकम टैक्स निकालना सिखाया, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने इस अगर मेरी इनकम 1,12,00,000 है तो मुझे 1,72,500 टैक्स देना है। वन मोर थिंग, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, वन मोर थिंग, अगर मुझे दोस्तों 1,72,500 टैक्स देना है तो ये फाइनल फिगर नहीं है, ध्यान सुनना, ये फाइनल फिगर नहीं है। फिर दोस्तों ये जो है वो क्या है दोस्तों, ये फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 4%, इसके ऊपर 4% का लगेगा हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। दोस्तों इसके ऊपर 4% का लगेगा हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस। अब ये सेस क्या होता तो जरा ध्यान से सुनिए, लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था, मैंने एक लाइन में बताया था, लेकिन आज मैं इसको डिफाइन करूंगा अच्छी तरह, तो सुनिए ध्यान से। तो सेस का मतलब होता है, हिंदी में भी सेस बोलते, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, ये लो जी इसे बोलते हैं सेस। सेस का मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स, कर पर कर,
दिस इज कॉल्ड सेस। इसका मतलब दोस्तों जरा ध्यान देखिए, ये 172,500 क्या है, ये टैक्स अमाउंट है भाई, 172,500 क्या है, टैक्स अमाउंट है, ये टैक्स है। और दोस्तों इसी टैक्स पर एक और टैक्स लग जाए, अर्थात 172,500 पर 4% और लग जाए, तो ऐसे मैं बोलूँगा क्या, टैक्स ऑन टैक्स। तो देखो ये 4% क्या है, एक टैक्स है, किसके ऊपर लग रहा है, टैक्स के ऊपर। तो 172,500 में जो भी 4% आएगा उसे ऐड करके उतना पैसा मुझे देना होगा गवर्नमेंट को एज इनकम टैक्स के रूप में। दोस्तों अब ये हेल्थ एंड एडुकेशन का क्या चक्कर है, तो जरा समझिए कि दोस्तों सरकार के पास जो भी इस 4% से पैसा आएगा, उस पूरा का पूरा पैसा सरकार उठाएगी भारत के शिक्षा और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक्सपेंडिचर करेगी और उस पर व्यय करेगी, जिससे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके, मानव संसाधन का विकास हो सके, तो उसे हम बोलेंगे स्वच्छ भारत, उसे हम बोलेंगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। अब मैं अगर इसको और डिफाइन करता, यूपीएससी की क्लासेस लेता, तो एक एक करके बताता कि जो हेल्थ सेस है वो इस समय 1% है, एडुकेशन सेस 3% है, और डिफाइन कर देता कि इसमें प्राइमरी एडुकेशन 1% है, सेकेंडरी एडुकेशन 2% है, इस तरीके से आपको बताता और आगे डिफाइन करता, और थोड़ा और इसका इम्पल्सिव तरीके से क्या इसका यूज़ है इकोनॉमी में, ये सब बातें। बट अब ये आप इतना समझिए कि सेस क्या है, तो सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, खत्म। 4% टैक्स अमाउंट है, किसके ऊपर, टैक्स के ऊपर लग रहा है 172,000, तो 172,000 का 4% जो निकल के आया ऐड कर दो, और इतना रुपए मैं गवर्नमेंट को क्या दूंगा एज अ टैक्स, तो इसे हम बोलते हैं सेस, राइट। दोस्तों एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज, एक और टर्म होता है जैसे हम बोलते हैं सरचार्ज, तो हम कहें सेस वर्सेस सरचार्ज। आखिर सेस वर्सेस सरचार्ज का मतलब, सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है, तो दोस्तों सीखिए और जरा समझिए। सेस वर्सेस सरचार्ज का मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए सेस और सरचार्ज दोनों की परिभाषा सेम है, दोनों का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, सेस का मतलब भी है टैक्स ऑन टैक्स और सरचार्ज का मतलब भी है टैक्स ऑन टैक्स, बट इन दोनों में अंतर क्या है वो अभी हम बताते हैं। इन दोनों में अंतर ये है, इन दोनों में अंतर ये है कि दोस्तों जो सेस है, पॉइंट नंबर वन, ये हर कोई पे करता है, एवरीबडी हैव टू पे सेस टू द गवर्नमेंट, मतलब क्या अभी बताएंगे। लेकिन जो सरचार्ज है वो सिर्फ एक लिमिटेड इनकम तक, एक लिमिट की इनकम जब क्रॉस हो जाए उसके बाद सरचार्ज लगता है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझने की कोशिश करिए कि जो सरचार्ज है वो एक लिमिट के बाद लगता है, तो उसे हम कहते हैं सरचार्ज। लेकिन सेस हर कोई पे करता है, क्या मतलब हुआ तो सीखिए, यदि आपकी इनकम 50,00,000 रुपये से ज़्यादा है हिंदुस्तान में करंटली, 50,00,000 रुपए से ज़्यादा है एनुअली और 1 करोड़ तक है, तो 50,00,000 से 1 करोड़ तक आपको देना होगा 10% क्या सरचार्ज। मतलब आपका जो टैक्स आया 172,500, इसका 10% और देना होगा, सेस तो जाहिर है 10% और देना होगा। मान लो अगर आपकी इनकम 10,00,000 एक करोड़ से ऊपर है, 50,00,000 से 1 करोड़ है तो सरचार्ज है 10%, और 1 करोड़ से ऊपर है तो हमारे हिंदुस्तान में सरचार्ज है 15%। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है एक लिमिट के बाद, मतलब 50,00,000 से ज़्यादा तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा तो 15%, तो आपको जो आपका टैक्स अमाउंट बनेगा जितने भी लाख, उसका 15% गवर्नमेंट को एक और टैक्स देना होगा, जिसे हम बोलेंगे क्या सरचार्ज। इसका मतलब पॉइंट नंबर वन कि जो सेस है वो हर व्यक्ति दे रहा है, चाहे उसकी इनकम 4,00,000 है, 5,00,000 है, 6,00,000 है, 8,00,000 है, लेकिन सरचार्ज सिर्फ वो लोग दे रहे हैं जो एक लिमिट के बाद इनकम क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जिनकी इनकम 50,00,000 से ऊपर है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया सेस और सरचार्ज में अंतर, दूसरा ये
कि जो सेस है वो किसी एक विशेष काम के लिए या एक विशेष नाम से लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हेल्थ और एडुकेशन के लिए लिया जा रहा है, ऐसी सर्विस टैक्स में लगता था 0.5%। स्वच्छ भारत सेस वो स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए था। ऐसे ही दोस्तों स्वच्छ भारत सेस के अलावा एक वो लगता था, क्या बोलते हैं, कृषि कल्याण सेस, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए था। तो दोस्तों जो सेस सरकार लगाती है वो किसी ना किसी एक विशेष, एक स्पेसिफिक, एक किसी विशेषात्मक काम के लिए लगाती है, लेकिन जो सरचार्ज है उसको लगाने का पर्पस किसी एक विशेष काम के लिए नहीं है। सरचार्ज को लगाने का पर्पस सरकार का सिर्फ इतना सा ही है कि सरचार्ज सरकार सिर्फ लगाती है जिससे एक लेवल के ऊपर अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनसे वो पैसा ले लिया जाए और उस पैसे को सरकार के डिफरेंट स्कीम्स के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके पास पैसा कम है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि सेस और सरचार्ज में क्या अंतर होता है। तो मान लो आपकी इनकम 2 करोड़ है तो 2 करोड़ का जो टैक्स निकल के आया, मान लो इतने लाख, उसका 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस तो है ही, लेकिन उसी का 15% क्या देना होगा आपको, सरचार्ज। तो मुझे लगता है आप लोग सेस, सरचार्ज, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, इनका मतलब समझ रहे हैं। और दोस्तों एक बार फिर से अब चलते हैं टैक्स अवॉइडेंस की दुनिया में। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि वो लीगल, वो कानूनी तरीकों को प्रयोग करना और अपनी इनकम को टैक्स पे करने से बचाना, कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस, कहलाता है कर माफ। और दोस्तों टैक्स एवेजन का मतलब है गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग करना और इनकम को टैक्स पे करने से बचाना, तो उसे हम लोग कहते हैं टैक्स एवेजन, कर चोरी। तो अब आपको बताते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस कैसे किया जाता है, अर्थात कई लाख रुपए की इनकम पर आप टैक्स पे करने से कैसे बच सकते हैं। और दोस्तों टैक्स एवेजन सीखने की उम्मीद हमसे ना करें। तो दोस्तों ये हम आपको नहीं बताएंगे कि कर चोरी कैसे होती है, क्यों, क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे तो कर चोरी करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों अब टैक्स अवॉइडेंस सुनिए। तो भाई हमारे हिंदुस्तान में, अच्छा, और अगर आपको बिल्कुल क्विकली 3-4 सेकंड में इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो जो हम तरीका बता रहे उसे एक बार दिमाग में रख लो। क्या पॉइंट नंबर 1, स्टेप 3 सेकंड में इनकम टैक्स कैलकुलेशन सुनना। पॉइंट नंबर 1 कि आपको याद रखना है कि अगर 5 लाख तक इनकम है तो 12,500 फिक्स्ड। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात बताना चाहते हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक बार कई बार सुना होगा, आप, यस वसीम, आप लोगों ने बहुत बार कई बार सुना होगा कि अभी बहुत बार क्या, अभी रिसेंटली, कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स से माफ हो गई। लेकिन मैं तो 2.5 लाख तक बताई, फिर ये 5 लाख का चक्कर क्या है। तो दोस्तों एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स रिबेट, एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट क्या होता है ये वो समझ लीजिए। टैक्स रिबेट का मतलब होता है दोस्तों कि यदि किसी, देखो दो चीजें हैं समझना, एक टर्म है जिसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम और एक अमाउंट है जिसे बोलते हैं टैक्स अमाउंट। तो एक है टैक्सेबल इनकम और एक है टैक्स अमाउंट, ये दो टर्म है। अगर दोस्तों टैक्सेबल इनकम पर टैक्स माफ किया जाए, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स माफ किया जाए तो उसे हम बोलते हैं टैक्स एग्जेम्पशन। अगर भाई ये बहुत डीप में जा रहा हूं क्योंकि क्लास का नाम है जीएस स्पेशल, इसलिए अब तो मैं दिखाता हूं स्पेशल तरीका। दोस्तों एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं टैक्स एग्जेम्पशन, जरा समझना, और एक है टैक्स रिबेट। तो ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है टैक्स रिबेट और दूसरा है टैक्स एग्जेम्पशन। क्या मतलब है तो जरा सीखें। दोस्तों टैक्स रिबेट का मतलब होता है, टैक्स रिबेट का मतलब होता है, देखो दो बातें हैं पहले तो सीखें। नंबर 1 टैक्सेबल इनकम, नंबर 2 टैक्स अमाउंट। तो अगर आप गौर से फरमाइए और गौर से देखिए तो ये जो 12 लाख रुपए है
ये मेरी टैक्सेबल इनकम है। क्या है दोस्तों? टैक्सेबल इनकम है। लेकिन दोस्तों ये जो 172,500 है ये मेरा टैक्स अमाउंट है जो मुझे पे करना है। तो ये दो बातें हो गई, ये दो बातें हो गई। भाई अजीत और रोहन कह रहे टैक्स एवेजन बता दो ना, ये हमारा जमीर हमें अलाउ नहीं करता कि हम आपको कर चोरी करना सिखाएं। तो दोस्तों ध्यान सुनिए पहले, अबे सुन ले यार अजीत और रोहन। दोस्तों यहाँ देखिए 12 लाख, अगर मेरी इनकम 12 लाख पर मुझे टैक्स देना है तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 12 लाख। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे जितना टैक्स पे करना है उसे बोलते टैक्स अमाउंट। तो ध्यान सुनना, यदि सरकार टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से हटा दे, टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से हटा दे अर्थात टैक्सेबल इनकम पर टैक्स ना लगाए तो उसे कहेंगे टैक्स एग्जाम्पशन। उसे कहेंगे टैक्स एग्जाम्पशन। क्या मतलब? तो सुनिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या हो गया? माफ। इसका मतलब हम कहेंगे 2.5 लाख रुपए पर टैक्स एग्जाम्प्ट है भारत में। दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स होती है क्या? बहुत ज़्यादा टेक्निकल। इकोनॉमिक्स का मतलब है बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, राइट? अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या दोस्तों? देखिए वो ये कि जो कि अगर सरकार टैक्सेबल इनकम पर टैक्स माफ कर दे तो उसे बोलते हैं टैक्स एग्जाम्पशन। इसका मतलब है दोस्तों ये जो 2.5 लाख रुपए पर टैक्स माफ हो गया, इसका मतलब भारत में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स एग्जाम्प्ट है, टैक्स माफ है, राइट? यहां देखिए दोस्तों, व्हाट इज टैक्स रिबेट? टैक्स रिबेट का मतलब है यदि सरकार टैक्सेबल अमाउंट पर टैक्स माफ कर दे तो इसे कहेंगे टैक्स रिबेट। अर्थात ये देखिए जो 172,500 हमारे हिंदुस्तान में टैक्स देना है मुझे 12 लाख की इनकम पर, तो मेरा टैक्स अमाउंट हो गया 172,500। जरा ध्यान सुनना, तो मेरा टैक्स अमाउंट हो गया 172,500। अगर मैं इस 172,500 पर टैक्स कर दूं माफ, मतलब पर टैक्स ना दूं, मतलब सरकार माफ कर दे तो उसे कहेंगे टैक्स रिबेट। इसका मतलब क्या? तो जरा ध्यान से सुनिए। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि अभी हमारी सरकार ने इस बार बजट में क्या किया, आप लोगों ने सुना होगा कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स से माफ है। लेकिन वो इनकम माफ नहीं है, वो टैक्स रिबेट है। वो कैसे? सुनिए, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक है दोस्तों, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और जीएस स्पेशल का ये कॉन्सेप्ट तो ज्ञान नहीं है, लेकिन चूंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए ताउम्र ता जिंदगी भर ये काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है साल की, एवरीबॉडी कितनी है? 5 लाख। तो आप लोगों को सरकार ने कहा कि टैक्स रिबेट है कितने का? 12,500 रुपए का। मतलब क्या? तो आप समझ गए होंगे, अभी तक ये टैक्स रिबेट भारत में 2,500 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने टैक्स रिबेट 12,500 कर दिया है। अर्थात जिनकी इनकम 5 लाख तक है, तो देख ध्यान सुनना, जब 5 लाख तक इनकम है तो 2.5 लाख तक तो माफ हो गई, 2.5 से 5 लाख उसका 5% 12,500, लेकिन 12,500 का सरकार ने दे दिया टैक्स रिबेट, कर बिल्कुल रिबेट दे दिया। इसका मतलब अब उस व्यक्ति उस बंदे को सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। तो हम कह सकते हैं कि आजकल 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स क्या है? माफ है। लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी की इनकम 5,01,000 है और उससे ज्यादा है तो उसके लिए ये 12,500 का टैक्स रिबेट का जो क्लॉज है वो खत्म हो जाता है। अर्थात मान लो आपकी इनकम, अब मैं आपको सिखाता हूं इनकम टैक्स इन 3 सेकंड्स, कैसे? ध्यान से देखिए। तो आप लोगों ने याद कर लिया 5 लाख तक 12,500 फिक्स है, बोलो याद हो गया। अब आपने देख लिया 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम है,
सुनना, 5 लाख से 10 लाख के बीच में किसी की इनकम है, मान लो किसी की इनकम है 9 लाख, एवरीबडी कितनी है 9 लाख, तो आप कैसे टैक्स निकालोगे? तो टैक्स हो गया 92,500। अभी देखिए मैंने तो एक सेकंड में निकाल लिया, आज मैं रट के तो आया नहीं, लेकिन कैसे निकाला देखो आप निकालोगे 9 लाख, 9 लाख का मतलब है 5 लाख से कितना ज़्यादा है 4 लाख, 4 लाख का मतलब है 4 लाख का कर दो 20%, 80,000 और 12,500 में ऐड कर दो तो हो गया 92,500। अर्थात यदि किसी की इनकम दोस्तों अगर किसी की इनकम 9 लाख है तो उसे 92,500 टैक्स देना है। अर्थात अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर निकल गई तो आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो टैक्स रिबेट जो 12,500 का मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टैक्स एग्जाम्पशन, इसे बोलते हैं टैक्स रिबेट। मुझे लगता है आप लोग समझ गए। यदि सरकार टैक्सेबल अमाउंट इनकम को कि भाई सरकार कहे 4 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ है, 4 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ है तो उसे हम कहेंगे क्या? टैक्स एग्जाम्पशन। अगर हम सरकार कहे कि इतना रुपए जो टैक्स देना है वो माफ है टैक्स अमाउंट, तो इसे कहेंगे टैक्स रिबेट। आई थिंक यू गाइस अंडरस्टूड वेरी वेल। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं दोस्तों इनकम टैक्स से रिलेटेड। एक होता है जैसे एक होता है TDS, एक होता है ITR। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जिंदगी भर आप लोगों के साथ रहने वाले हैं तो सीख लीजिए। व्हाट इज TDS? TDS का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। थैंक यू आंटी। तो TDS का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब है कि जिस सोर्स से, ध्यान से सुनना बेटा, जिस सोर्स से आपके पास इनकम आ रही है उसी सोर्स में आप टैक्स को डिडक्ट करा देते हैं। जिस सोर्स से आपके पास इनकम आ रही है अगर आप उस सोर्स में टैक्स को डिडक्ट करा देते हैं, टैक्स को माइनस करवा देते हैं तो उसे हम कहेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जरा सुनना मतलब क्या। दोस्तों एक हमारा स्टूडेंट था ऑफलाइन के बैच में जो अब मुखर्जी नगर में बतरा सिनेमा में अपनी ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, तो कल उसमें से एक स्टूडेंट का उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुआ है तो हम उसे कॉन्ग्रेजुलेशन दे रहे हैं यहाँ से। और मोस्ट प्रोबली ही वुड कम टुडे इन द यूट्यूब ऑन द यूट्यूब चैनल और आज शाम को हमारा एक सेशन होगा उसके साथ, राइट? तो ओके शिव कुमार, हिंदी में क्या लिखें? जो हिंदी में क्या लिखें, सब हिंदी में बोल रहे। डायरेक्ट टैक्स को बोला प्रत्यक्ष, इसको बोला अप्रत्यक्ष। टैक्स रिबेट कर छूट, टैक्स एग्जेम्पशन की हिंदी हमें आती नहीं ना। बाकी क्या है, सब कुछ है। सेस को हिंदी में सेस, सरचार्ज को हिंदी में अधिभार। सेस को हिंदी में भी सेस, सरचार्ज को हिंदी में अधिभार लिख लीजिए। टैक्स अवॉइडेंस हिंदी में हम जानते नहीं, टैक्स एवेजन कर चोरी हो गई हिंदी। दोस्तों ध्यान सुनिए, तो मैं बता रहा था TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, इसको हिंदी में क्या बोलते ये हमारे पापा भी नहीं जानते, तो इसको TDS ही बोला जाता है। दोस्तों TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता, तो जरा ध्यान सुनिए। थैंक यू वसीम। दोस्तों टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब ये हुआ कि जो भी मुझे इनकम मिल रही, ध्यान सुनना, जिस सोर्स से मुझे इनकम मिल रही है उसी सोर्स में मैं टैक्स को डिडक्ट करा दूं, टैक्स को माइनस करा दूं, तो उसे हम बोलते हैं TDS। तो उसे बोलते हैं TDS का मतलब क्या है? ठीक है बेटा देवेंद्र सिंह, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, हिंदी में भी नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, इंग्लिश में भी प्रिपेयर हो गए हैं। अभी गौतम राम अभी करते हैं आपका ये टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट बस एक लाइन में समझ लो कि जो टैक्सेबल अमाउंट है, जैसे ये 12,500 में सरकार अगर कह दे 4,000 रुपये का टैक्स रिबेट है, अगर मान लो किसी की इनकम 5 लाख तक है और सरकार ने कह दिया 4,000 रुपये का टैक्स रिबेट, इसका मतलब जो 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 टैक्स लगना है, लेकिन चूंकि सरकार ने 4,000 का टैक्स रिबेट दे दिया इसलिए इससे 4,000 माइनस कर दो, इतने का टैक्स देना होगा। तो ये है टैक्सेबल अमाउंट, इनसे टैक्स माइनस हो तो उसे बोलेंगे टैक्स रिबेट।
राइट तो दोस्तों बिल्कुल पीडीएफ सारी तैयार हो चुकी है, इंग्लिश में खतरनाक, हिंदी में भी खतरनाक। तो आप लोगों को विद इन 1 or 2 days आई वॉज वेटिंग कि एक बार ऐप आ जाए और उस ऐप के द्वारा आप लोगों को दिया जाए। तो तब लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं अवेल करा दूंगा, बस आप अभी क्लासेस चल रही हैं उसे सुनिए और बढ़िया तरीके समझिए। राइट, और इस TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो TDS का मतलब हुआ दोस्तों कि जिस सोर्स से मुझे इनकम मिल रही है। हाँ यस, तो दोस्तों देवाशीष साहू का सिलेक्शन हुआ है सर। तो बता दूं मैं आपको, अजीत यादव एक और उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसका नाम है देवाशीष साहू। दोस्तों इन दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसका मैंने नाम बताया वो बंदा जो ऑफलाइन में है उसका OBC कैटेगरी में 3rd रैंक है पूरे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में। एंड ही वॉज सो ब्रिलियंट एंड बहुत बढ़िया उसका GS भी, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि बढ़िया से हो। दोस्तों यहाँ देखिए, जब वो आया था तो इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी करने आया, लेकिन बेटा इस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा कि अगर आप SSC सोचेंगे तो PCS सोच बदल जाएगी, PCS सोचने लगेंगे। अगर आप सिपाही का सोचेंगे तो दरोगा में सोच बदल देंगे, और PCS का सोचेंगे तो IAS बना के छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये है हम लोगों का जोश और जुनून। राइट नाउ, सो यस, ऑनलाइन भी है मेरे साथ, ओके अजीत। तो देवाशीष साहू, हाँ एक दिन यूट्यूब पर बताया देवाशीष ने, और मैसेज भी कर रखा है। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, व्हाट इज TDS, तो TDS का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है, तो सुनिए कि जिस सोर्स से मेरे पास इनकम आ रही है उसी सोर्स में मैं टैक्स को डिडक्ट करा दूं, उसी सोर्स में, थैंक यू, उसी सोर्स से मैं टैक्स डिडक्ट करा दूं। क्यों, जरा देखिए, अब मेरी नजर से देखिए, मुझे मान लो टाइम्स कोचिंग 12 लाख रुपए एक साल का देता है, 1 महीने का 1 लाख मैंने लिए, खर्च हो गए, फिर हर महीने लिए, खर्च हो गए, फिर लिए, खर्च हो गए। दोस्तों साल में हो गए 12 महीने, एवरीबडी कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स। अब 12 महीनों का मुझे देना है 1,72,500 और ऊपर से देना है 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। दोस्तों ध्यान से सुनना, अब मुझे दो बार टैक्स देना है, मुझे इतना टैक्स देना है लगभग मान लो 1.25 लाख। अब दोस्तों इतना सोचकर मैं तो बेहोश होने लगूंगा कि लगभग 2 महीने की सैलरी टैक्स में घुस जानी है। तो अगर मैंने 1 लाख लिए खर्च, लेकिन दोस्तों यदि मैं, सरकार ने मुझसे कहा भाई साहब एक काम करो, आप TDS का प्रयोग करो। TDS मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से आपके पास टैक्स आ रहा है, उस इनकम आ रही है, वहीं पर टैक्स कटवा दो। तो भाई माय सोर्स ऑफ इनकम इज दिस टाइम्स कोचिंग, तो टाइम्स कोचिंग मेरी इनकम का सोर्स है। अब दोस्तों टाइम्स कोचिंग मैंने जब 1 लाख दिया तो मैंने इनसे कहा रुको, मैंने इन्हें दिया अपना पैन कार्ड और कहा लो भैया मेरा पैन नंबर और इसका 10% मेरा टैक्स डिडक्ट करके जमा कर दो। तो दोस्तों इसे बोलेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से इनकम आए उस सोर्स पर टैक्स को डिडक्ट करा दिया जाए, उसे बोलेंगे TDS। अर्थात 10,000 रुपए मेरा TDS कट गया, अर्थात टैक्स डिडक्ट हो गया, अर्थात टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच गया, 90,000 मुझे पहुंच गया। दोस्तों हर महीने ये सिलसिला जारी रहा, 10,000 रुपए सरकार के पास, 90,000 रुपए मेरे पास, 10,000 रुपए सरकार के पास, 90,000 रुपए मेरे पास। अब साल का एंड हुआ, अब साल के एंड में मैंने देखा, साल के एंड में मैंने देखा और ये कि 12 लाख रुपए हो गया, 12 लाख रुपए पर मुझे 1,72,500 और उसका 4% मान लो 1.25 लाख रुपए देने हैं। लेकिन दोस्तों मैंने सरकार को 10,000 रुपए करके हर महीने देता गया, तो उसे मैं बोलूंगा क्या, TDS। अब मैं आपको सिखाता हूं जरा टैक्स अवॉइडेंस के तरीके, तो सीख लो क्विकली। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो भी इनकम टैक्स लागू होता है उसके लिए सरकार ने एक एक्ट बना रखा है, जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो भारत में जितने भी इनकम पर टैक्स लगता है उसके लिए यही एक्ट है, इसे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी इनकम टैक्स के प्रावधान हैं, इनकम टैक्स की चीज़ें हैं, वो सारी लिखी गई हैं। तो जरा ध्यान सुनना, इसके अंदर एक सेक्शन है
जैसे बोलते हैं सेक्शन 80C, ऐसे ही कई सारे सेक्शंस हैं, एक ही नहीं। जैसे सेक्शन 80C में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे NSC हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, जैसे 5 साल 5 ईयर्स एंड अबव FD हो गया, 5 साल या उससे ज़्यादा की बैंक में आपने FD करा दी, जैसे प्रोविडेंट फंड PF में जमा करा दिया, जैसे ट्यूशन फ़ी आपने अपने बच्चों की या किसी की ट्यूशन फ़ी जमा करा दी, जैसे इसी में आता है लाइफ इंश्योरेंस, आपने एक लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा करा लिया। दोस्तों ये सारी चीज़ें 80C के अंतर्गत आती हैं, ज़रा ध्यान से समझना। अगर आप अपनी इनकम, ये जो 12 लाख है इनकम, इसको इन इंस्ट्रूमेंट पर खर्च करते हैं, NSC क्या होता, 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है। दोस्तों 5 साल या उससे ज़्यादा की FD, मतलब अगर आपने बैंक में 5 साल या उससे ज़्यादा की FD फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, आपने प्रोविडेंट फंड मतलब PF क्या होता आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी इनकम से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट कट 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 होता है, जैसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड, जैसे हम कहते हैं PF, प्रोविडेंट फंड PF। तो दोस्तों PF समझ में आ गया, ट्यूशन फी आप समझ गए, ट्यूशन फी किसे कहते हैं, तो ट्यूशन फी का मतलब है जब भी आपने स्कूल कॉलेज में ट्यूशन फी पे करी तो स्लिप में लिखा होता था ट्यूशन फी। लाइफ इंश्योरेंस, आपने एक जीवन बीमा ले लिया। दोस्तों अगर आप अपने इनकम का इन इंस्ट्रूमेंट पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स माफ है। 1.5 लाख रुपए का टैक्स जो है, 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स माफ है। अब ये 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स माफ कैसे है तो वो समझिए कि देखिए दोस्तों 12 लाख पर मुझे टैक्स देना है 1,72,500, लेकिन ये जो 12 लाख मुझे टाइम्स कोचिंग ने 1,00,000 रुपए हर महीने दिए, मैंने इसका क्या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, मैंने इसका NSC करवा लिया, FD करवा लिया, PF करवा लिया, ट्यूशन फी में दे दी, मान लो 1.5 लाख रुपए लग गए। दोस्तों जब वो 1.5 लाख रुपए चले गए तो क्या वो 1.5 लाख रुपए मेरी जेब के पॉकेट में आए भाई, क्या वो मेरी पॉकेट में आए, नहीं आए। इसका मतलब वो 12 लाख में से कर दो क्या माइनस, ध्यान सुनना, 12 लाख से कर दो क्या माइनस। दोस्तों पहले मेरी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए थी, लेकिन मैंने इन इंस्ट्रूमेंट पर अगर पैसा निवेश कर दिया तो मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई 1.5 लाख रुपए माफ। इसका मतलब इसे कहेंगे टैक्स एग्जेम्पशन, दोस्तों इसे कहेंगे टैक्स एग्जेम्पशन, क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया 1.5 लाख रुपए की इनकम पर, या इसे और अच्छे वर्ड में कहेंगे टैक्स डिडक्शन। दोस्तों अभी क्या है बेटा, बहुत इकोनॉमिक्स टेक्निकल है, अब तुम लोगों को पहले एक नया टर्म आ गया, टैक्स डिडक्शन का मतलब है टैक्स लगता तो है लेकिन अगर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट पर निवेश कर दूं और फिर टैक्स माफ हो जाए तो उसे कहेंगे टैक्स डिडक्शन। तो बेटा 3 वर्ड हो गए टैक्स माफ करने के, टैक्स रिबेट, टैक्स एग्जाम्पशन, टैक्स डिडक्शन। एक बार बताऊंगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो सोच लेना तुमने बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया। दोस्तों टैक्स रिबेट का मतलब है टैक्सेबल अमाउंट पर टैक्स माफ हो, टैक्स एग्जाम्पशन मतलब जो इनकम है उसे सरकार टैक्स से माफ ही कर दे और कहे इस इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं है तो वो टैक्स एग्जाम्पशन। टैक्स डिडक्शन का मतलब है इनकम पर इनकम, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स तो लग रहा था लेकिन किसी व्यक्ति ने उस इनकम को इतने स्मूथ तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब उसकी इनकम टैक्स से माफ हो गई तो उसे कहेंगे टैक्स डिडक्शन। दोस्तों आई होप वंडरफुली आप लोग समझ गए होंगे इन 3 टर्म्स में अंतर। तो भाई यह है टाइम्स कोचिंग का GS स्पेशल बैच। और दोस्तों अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो हिंदुस्तान में बेटा तुम लोग किताब में पढ़ लो या किसी से ही पढ़ लो, ये टर्म ही समझ में नहीं आने। और मैं तुम्हें बता दूं, ये तो अपनी कोई क्लास में पढ़ाए गई नहीं भाई, कई सारे बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज कर रखे हैं FB पर, YouTube पर, कि हमारा गांव, गांव तो छोड़ो, इतने बेहतरीन बेहतरीन मैसेज कि आने वाले समय में टाइम्स कोचिंग ही इतना बढ़िया रहेगा। भाई देखिए, दिल्ली के टीचर सीधे आपके घर में आपके मोबाइल के अंदर हैं और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन रिगार्ड आपसे चाहिए क्या, आपसे चाहिए दोस्तों आपका प्यार और आपसे चाहिए आपका सम्मान, हमारा सम्मान।
है, सम्मान तो तुम दो या ना दो, अपने आप वैसे ही छोड़ो। दोस्तों आपका प्यार इन द सेंस ऑफ वॉट, आपका प्यार इन द सेंस ऑफ कि आप लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं और सेलेक्ट होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिससे जैसे अभी मैंने एक अनाउंसमेंट करी कि एक देवसी साहू और मैंने कहा एक हमारा स्टूडेंट अभी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में लगा, तो कभी ना कभी किसी ना किसी बैच में हम आपका भी नाम इस तरीके से लें, ये हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों से। राइट, हम अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें देने का, आप अपनी तरफ से प्रयत्न करिए बेस्ट से बेस्ट पढ़ने का। दोस्तों सिलसिला इस मंजर तक पहुँचेगा कि जहाँ सिर्फ कामयाबी नज़र आएगी। तो भाई आगे देखते हैं और बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दूँ 1.5 लाख रुपए तक तो वो टैक्स से माफ़ है। ऐसे ही टैक्स डिडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं कि क्या क्या तरीके हैं। मान लो मैं थोड़ा ऐसे रफली आइडिया देता हूँ कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो हेल्थ इंश्योरेंस जो टैक्स डिडक्शन है तो वो 25,000 रुपये तक पे है, लेकिन वो क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए आई थिंक 50,000 रुपये हो चुका है। अर्थात इसके अलावा 25,000 रुपये आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करा लो वो माफ़ हो गया। आप मान लो एक रेंटेड अकोमोडेशन पर रहते हैं, कहीं रेंट पर रहते हैं, तो रेंटेड अकोमोडेशन पर अगर आप रहते हैं तो 60,000 रुपये टैक्स से साल में माफ़ हो सकता है। इसके अलावा आपने मान लो एक होम लोन ले रखा है, होम लोन टैक्स डिडक्शन, तो अगर आपने एक होम लोन ले रखा है तो वो 2 लाख रुपये तक का जो आप उस पर ब्याज पे कर रहे हो वो भी टैक्स से माफ़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रा ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ वो ये कि दोस्तों अगर मान लो 12 लाख मेरी इनकम है और मुझे 1,72,500 4% मान लो 1,75,000 रुपये मुझे देना है टैक्स, लेकिन 1,00,000 रुपये मैं लेता गया, हाँ उससे पहले मैंने TDS कटवाया। TDS का मतलब है 10,000 रुपये में TDS कटवाता गया, तो साल में 1,20,000 रुपये 12 महीने का सरकार के पास पहुंच गया, मतलब एडवांस में मैंने टैक्स सबमिट कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि मुझे टैक्स देना है 1,72,500 प्लस 4% 1,75,000 के लगभग। अब दोस्तों लेकिन मैंने इस 12 लाख रुपए की इनकम पर क्या ये NSC KVP 1.5 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मान लो मुझे मात्र टैक्स देना पड़ रहा है 70,000, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कितना पे करना हो रहा है 70,000। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं ये करूंगा कि मेरा जो CA होगा वो सरकार को बताएगा, क्या बताएगा कि सुनो सरकार एक काम करते हैं, इतना इतना पैसा मेरे क्लाइंट ने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट किया, इतना यहाँ यहाँ से मिला, इतना टैक्स देना था, इतना TDS 1,20,000 जा चुका, लेकिन टैक्स अब पेबल देना है मात्र 70,000। तो एक काम करो, ये लो इसका अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, चुपचाप 50,000 रुपये इसके अकाउंट में भेज दो। तो इसे हम कहेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सो दिस इज कॉल्ड ITR इनकम टैक्स रिटर्न। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड वेरी वेल द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इनकम टैक्स इन आर कंट्री। सो दैट्स ऑल अबाउट द इनकम टैक्स प्रोविजंस, इनकम टैक्स इन आर कंट्री, जितनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के अलावा अब देखते हैं और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस हमारे हिंदुस्तान में होते हैं और उनका अपन थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए और बातों को अच्छी तरह समझिए। किसी को कोई और सवाल पूछना है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। If you guys wanna ask any सवाल you can please। जल्दी से पूछिए अगर कुछ पूछना है दोस्तों। Now, तो एक तो हो गया direct tax, प्रत्यक्ष कर में आय कर जैसे बोलते हैं इनकम टैक्स, आयकर जैसे बोलते हैं इनकम टैक्स। दोस्तों दूसरा होता है यहाँ पर निगम कर, निगम कर का मतलब है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है ज़रा ध्यान से समझिए,
तो कॉरपोरेट टैक्स का मतलब होता है एक वो टैक्स जो जो कंपनीज अपने नेट इनकम, जो कंपनीज अपने प्रॉफिट पर दें। सो आईटी फिर से बता दें, आईटी के आईटीआर लॉन्च बैच फॉर यूपीएससी, वेरी सून वी विल लॉन्च द बैच। ना सर, आईटीआर हम रोज पेपर में पढ़ते थे, कभी नहीं पता चलता था ये क्या है, लेकिन आज पता चल गया। थैंक यू निशांत। तो आईटीआर का मतलब अभिषेक मेहता। अगर मैं आईटीआर को एक लाइन में बताऊं तो इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है शोइंग डिस्क्रिप्शन टू द गवर्नमेंट अबाउट द एनुअल इनकम्स एंड एनुअल एक्सपेंडिचर्स एंड द नेट अमाउंट टैक्स पेबल और टैक्स पेड विच हैव टू बी रिसीवेबल। सो इसका इंफॉर्मेशन सरकार को देना कहलाता है आईटीआर। तो आईटीआर का मतलब होता है कि सरकार को साल भर के किसी व्यक्ति के खर्चों को बताना और साल भर के आय को बताना। तो आईटीआर का मतलब है, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कि मैं सरकार को शो कर रहा हूँ कि मेरे पास कहाँ कहाँ से इनकम आई और मैंने कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया, कितना टैक्स दे चुका हूँ, कितना टैक्स देना है या कितना पैसा वापस आना है। तो इन सब का ब्यौरा सरकार को भेजना कहलाता है इनकम टैक्स रिटर्न। क्लियर है ना दोस्तों? देखिए, कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो कॉरपोरेट टैक्स का मतलब है जो कंपनीज, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने नेट इनकम, बोले तो शुद्ध आय, बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इन शॉर्ट प्रॉफिट पर जो सरकार को टैक्स देती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, उसे हम बोलते हैं निगम कर। तो कॉरपोरेट टैक्स और निगम कर का मतलब है कि जो भी कंपनीज अपने प्रॉफिट पर सरकार को टैक्स पे करे। अगर मुझे एक लाइन में कॉरपोरेट टैक्स की मीनिंग बतानी है तो इतनी काफ़ी है, लेकिन एग्जाम के लिए बताना है तो पॉइंट नंबर टू, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है। पॉइंट नंबर थ्री, केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाला टैक्स कॉरपोरेट टैक्स ही था, लेकिन अब नहीं दोस्तों। ये थैंक यू, ओके ओके अभिषेक। दोस्तों ध्यान सुनना कि भारत सरकार, ये एग्जाम का सवाल है, भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? तो उसका आंसर है दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स, उसका आंसर है निगम कर से प्राप्त होता है। लेकिन बता दूं, इन द इंटरिम बजट 2019-20 जो फरवरी 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अकॉर्डिंग कॉरपोरेट टैक्स से 21% पैसा आएगा और जीएसटी से भी 21%। तो दोस्तों फिलहाल कॉरपोरेट टैक्स सर्वाधिक सोर्स रेवेन्यू का नहीं है, क्योंकि इसी के बराबर जीएसटी भी है। लेकिन अगर मान लो ऐसा सवाल आ गया और कॉरपोरेट टैक्स लिखा है, आंख बंद करो, कॉरपोरेट टैक्स मार दो। क्यों? क्योंकि वो पुराना सवाल होगा और पहले कॉरपोरेट टैक्स था। अभी जो बजट इस बार पेश होगा उसमें क्या हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी चर्चा अलग से होगी दोस्तों। बस बने रहो आप लोग और मौज लेते रहो और पढ़ाई करते रहो टाइम्स कोचिंग पर। दोस्तों इसके आगे चलिए और बात करते हैं, जरा देखिए, कॉरपोरेट टैक्स तो समझ में आ गया और हमारे हिंदुस्तान में कॉरपोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट राजीव गांधी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था इन इस बजट स्पीच 1987-88 में ना। कॉरपोरेट टैक्स के अलावा हमारे हिंदुस्तान में एक और टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हम बोलते हैं वेल्थ टैक्स। हिंदी में जो लिखते हैं वो तुरंत लिख लें, संपत्ति कर। अब ये वेल्थ टैक्स क्या है दोस्तों, उससे पहले आप जाने वेल्थ, संपत्ति किसे कहते हैं? तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सोना, आपकी चांदी, आपकी जमीनें, आपके धन दौलत, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बैंक में जो बैलेंस है, इन सब की वैल्यू को जोड़ दो, तो जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे आपकी वेल्थ। एवरीबॉडी, क्या कहेंगे? आपकी वेल्थ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट आपको नोट करना है और वो ये कि जो मैंने बोला घर, गाड़ी, सोना, चांदी, धन दौलत, जमीनें, जब मैंने जमीनें बोला तो जमीनों में एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि छोड़कर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। तो अगर हम कृषि भूमि को छोड़ दें, उसके अलावा आपके पास जो भी लैंड है, आपके पास जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, जो भी आपके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर आपके पास जो भी ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा धन दौलत, गाड़ी, सोना, चांदी, बैंक में बैलेंस, इन सब की टोटल वैल्यू को जोड़ दें, उसे कहते हैं आपकी वेल्थ दोस्तों। और आपको देना होता है उस पर टैक्स, जैसे बोलते हैं वेल्थ टैक्स। लेकिन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि 2015-16 के बजट में सरकार ने वेल्थ टैक्स को टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए खत्म कर दिया।
अर्थात फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में ये वेल्थ टैक्स का प्रोविज़न नहीं है और वेल्थ टैक्स हमारे हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब वेल्थ टैक्स होता भी था तो हर कोई पे नहीं करता था। जिनकी इनकम 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है सिर्फ वो पे करते थे और हर साल पे नहीं करते थे, कभी 5-7 सालों में एक बार पे करते थे। इसे हम बोलते थे वेल्थ टैक्स, लेकिन फिलहाल ये हमारे हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। दोस्तों एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टैक्स है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट टैक्स, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। दोस्तों आपको अगर कोई भी गिफ्ट मिला, आपको कोई भी उपहार मिला, तो आप उस पर दोगे क्या टैक्स, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसे हम बोलेंगे गिफ्ट टैक्स, राइट। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पिद्दे टाइप बच्चे सवाल आते हैं, मैं तो बहुत डिटेल में बता रहा कैसे सवाल आते, इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, या कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बस। लेकिन मैं इनके अंदर घुस के इतने डिटेल में बता रहा क्योंकि क्लास का नाम है जीएस स्पेशल, राइट। अगर ये क्लास होगी अभी यूपीएससी तो क्लास के इतने अंदर घुस के बताऊंगा कि तुम्हारा दिमाग खलबला उठेगा दोस्तों, और इकोनॉमी का ज्ञान दिमाग में ठुस जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना इसके लिए काफ़ी है। अभी गिफ्ट टैक्स क्या है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो गिफ्ट टैक्स का मतलब है दोस्तों एक वो टैक्स, एक वो कर जो आपको गिफ्ट के ऊपर पे करना है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको कोई भी गिफ्ट ब्लड रिलेशन से मिलता है, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो आपके ब्लड रिलेशन में है, आपके माता पिता, भाई बहन या इंक्लूडिंग सास ससुर, तो अगर इनसे कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिले तो उस पर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि 50,000 या उससे ज़्यादा टैक्स मिले, और गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा की रकम का गिफ्ट मिले तभी टैक्स पे करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड गिफ्ट टैक्स, राइट। तो अर्जुन जी ने पूछा कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो अर्जुन जी ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आप एक बार फाइनेंशियल मार्केट के कैपिटल मार्केट वाले वीडियो को देखें और उसे अच्छी तरह पढ़ें और आपको पता चल जाएगा। बाकी जवाब एक बार फिर से दे देते हैं कि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन उस समय वो एक गैर वैधानिक संस्था थी। लेकिन 1992 में सेबी को वैधानिक, सेबी को स्टैचुटरी राइट मिला। सो दिस इज कॉल्ड सेबी, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। नाउ दोस्तों देखिए, तो गिफ्ट टैक्स तो हो गया, इसके बाद एक और टैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। एवरीबडी क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। सो व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स, जरा समझना, हिंदी में जो लिखते हैं वो तुरंत लिख लें, पूंजी लाभ कर। दोस्तों पहले मैं बताता हूं कि ये कैपिटल गेन क्या है और कैपिटल गेन किसे कहते हैं। तो दोस्तों कैपिटल गेन का मतलब है, पूंजी लाभ का मतलब है, जरा ध्यान से समझिए। तो कैपिटल गेन पूंजी लाभ का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी, जैसे आपने मान लो, दो तरीके से मैं कैपिटल गेन पढ़ता हूँ कि सर सेबी के हेड का भी कोई टाइम पीरियड होता है। भाई ये बताओ केम माहौर, ये मैं अभी सेबी पढ़ा रहा है टैक्सेशन पढ़ा रहा, तुम लोग एक नंबर के गधे हो क्या, या एक नंबर के बिल्कुल डैश हो। डैश का मतलब तुम समझ जाओ अपने आप मैं क्या बोलना चाह रहा। अबे यहाँ टैक्स की बातें चल रही, तुम चुलचुला रहे, और मैंने हर बार कहा कि लास्ट के 10-15 मिनट में जो पूछना है वो पूछो, और ये डिस्कशन एक्चुअली हो चुका है हमारी क्लास में। ये तो तुमने ये क्लास नहीं ली होगी वो वाली, इसलिए ये बातें तुम पूछ रहे हो, क्लियर है भाई। तो जो भी तुम्हें डाउट पूछने हैं, जो देखो अभी ये देखो, दिस देयर शुड बी सम एटिकेट इन द क्लास। पता नहीं तुम लोगों ने किस कॉलेज से, किस स्कूल से पढ़ाई करी जहाँ पर तुम्हें कोई एटिकेट ही नहीं आए, कुछ तुमने मैनर्स ही नहीं है। भाई जब हम अपने स्कूल कॉलेज में थे तो वहाँ कुछ एटिकेट्स होते थे, क्लासरूम का कुछ डिसिप्लिन होता है। अब जब मैं टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत है तो वो अभी पूछो। और मान लो आप कुछ भी पूछो, कहीं से पूछो, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड तरीका बना रखा हमने, और वो ये कि अगर लास्ट में, मैंने कहा अगर, कंपलसरी नहीं है ना मैंडेटरी, अगर लास्ट में क्या 10-15 मिनट बचे तब आप पूछिए, यस ऑर नॉट।
तो आप जो पूछना है, जहां से पूछना है, जैसे पूछना है, वहां से पूछिए, लेकिन देयर मस्ट बी सम डेकोरम इन द क्लास, देयर मस्ट बी सम एटिकेट विद द इन द स्टूडेंट्स. सो दिस इज द क्लास यार, दिस इज द क्लास एनवायरमेंट. ओके, कोई बात नहीं ना. तो दोस्तों, व्हाट इज कैपिटल गेन? तो भाई, आई एम अ टीचर फ्रॉम माई हार्ट, नॉट आई मेड टू बिकम द नॉट आई मेड अ टीचर, मैं बना नहीं, आई बॉर्न टू टीच इन द यूनिवर्स. दोस्तों, आज तक हमने कभी कोई सरकारी नौकरी के लिए ना तो अप्लाई किया, ना हमें सरकारी नौकरी कभी चाहिए थी. दोस्तों, सिर्फ टीचिंग इज़ माई पैशन, इसलिए दोस्तों सिर्फ टीचिंग में ही रहा हूँ मैं. और ताउम्र 60-70 साल जब तक जीऊँगा, जब तक आपको सिर्फ टीचर ही नज़र आऊँगा. आप जब बुढ़े हो जाऊँगा मैं, जब तुम लोग बड़े होगे, तुम लोग कहोगे ये देखो वो भरत सर हैं जिनने मुझे 2019 में पढ़ाया था. ये हमारा यही सपना है बस एक. सो टीचिंग जगत में अपना नाम रोशन करना, और आज से 6-7 साल बाद हिंदुस्तान के बेस्ट इकोनॉमिस्ट फैकल्टी में आप हमारी गिनती करेंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं अपने कर्मों से और अपने मन से, और ऐसा हमारा सपना है. अभी नहीं, 6-7 साल बाद हिंदुस्तान में अगर इकोनॉमी के नाम से कोई जाना जाए तो एक हमारा भी नाम हो, ऐसी परमात्मा हमें शक्ति दे. लेकिन दोस्तों, उन सब के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा, ये सब चाहिए. और इसके लिए हम जी जान से पढ़ाते रहते और रोज़ पढ़ते रहते, वंडरफुली अपना कंटेंट तैयार करते रहते कि और बहुत बेहतरीन आ जाए. सो वट एवर यू आर आस्किंग आर अवेलेबल इन प्रीवियस वीडियोज, सो प्लीज़ सी प्रीवियस वीडियो. यस गौतम, मैंने यही तो इनसे बोला, ये सब मैं पढ़ा चुका, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा पूछना चाहते वो भी बताएंगे. लेकिन कब? क्लास के लास्ट के 10 मिनट में, कंडीशन अप्लाई, यदि टाइम बचा तो. नाउ दोस्तों, व्हाट इज कैपिटल गेन? पूंजी लाभ क्या होता? थैंक यू सो मच. दोस्तों, सर आपको करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के? यस यार, यही हमारा सपना भी है यार रोहन राणा, लेकिन देखते हैं होता या नहीं. वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी योर नेम इन टॉप मोस्ट. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. दोस्तों देखिए, व्हाट इज कैपिटल गेन? हिंदी में बोलते हैं पूंजी लाभ. तो कैपिटल गेन को जरा अच्छी तरह समझिए. दो तरीके से कैपिटल गेन होता है. वैसे मैं सरल भाषा में बता दूं कैपिटल गेन क्या है. मान लो मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, गोल्ड खरीद लिया, 20 लाख रुपए का एक गोल्ड खरीद लिया. अब उसे मैंने कुछ महीनों बाद बेचा. बेचने के बाद मेरे पास आया 25,000 रुपये. ओ सॉरी यार, 25,000 नहीं 25 लाख. बेचने के बाद मेरे पास आया 25 लाख. तो दोस्तों, मैंने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 5 लाख. उसे कहेंगे कैपिटल गेन, पूंजी लाभ. दोस्तों, जो कैपिटल गेन है वो दो तरीके से होता है. थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और बात करने से समझाने की कोशिश करूँगा, ज़रा ध्यान सुनना. तो जो कैपिटल गेन है, जो पूंजी लाभ है, वो दो तरीके से होता है. कैसे? देखिए दोस्तों, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? तो भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? एक मिनट रुकिए. कैपिटल गेन एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर. एक हो गया अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, जो हिंदी में वो मैं जब बोलूं तब लिखा करें. दोस्तों, एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. एक हो गया दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर, एक हो गया अल्पकालीन पूंजी लाभ कर. तो ये दो तरीके से कैपिटल गेन टैक्स होते हैं. कैसे, वो भी समझाएंगे, सुनिए. दोस्तों, कैपिटल गेन दो तरीकों से होता है. एक तो अगर आप अपना पैसा लैंड में या गोल्ड में लगा रहे हैं, और दूसरा आप अपना पैसा शेयर्स में लगा रहे हैं, तो इन दो मामलों में हम कैपिटल गेन समझते हैं. या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपना पैसा या तो शेयर्स में लगा रहे हैं, अर्थात किसी कंपनी के अंश में, किसी कंपनी के शेयर्स में. यस ऑर नॉट? नाउ इसके अलावा या तो आप अपना पैसा अदर एसेट्स में लगा रहे हैं, अन्य परिसंपत्तियां. अदर एसेट्स का मतलब है अन्य परिसंपत्तियां, जरा ध्यान सुनिए. सॉरी, एक तो आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दो,
या अदर एसेट्स, अन्य परिसंपत्तियों का मतलब है गोल्ड में, लैंड में या कहीं और, यस और नॉट, ध्यान से सुनिए इसके अलावा। तो दोस्तों अब ये व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म हेयर, तो यहां पर शॉर्ट टर्म में भी आप अपना पैसा शेयर्स में लगाएं या अदर एसेट्स में लगाएं। जस्ट एक मिनट दो या 40-50 सेकंड आपके दिमाग में इन होने वाला है, ध्यान सुनते रहना। अगर आपने अपना पैसा शेयर्स में लगाया और आपने लेस देन 12 मंथ्स, मतलब अब लेस देन 12 मंथ्स, अगर आपने 12 महीनों से कम में जल्दी 12 महीनों के अंदर अंदर उसे बेच दिया तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एवरीबॉडी क्या, ओ सॉरी, हाँ लॉन्ग टर्म लिखा है, तो मोर देन 36 महीने, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, मोर देन 12 मंथ्स। दोस्तों ध्यान सुनिए, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, एक मिनट लगेगा, मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, ध्यान सुनिए। तो देखो निशांत कुमार कह रहे हैं सर कैपिटल मनी मार्केट क्या है, तो भाई निशांत जी अगर तुम सामने होते तो भगवान कसम तुम्हें दो चांटे मारता, एक इस गाल में मारता, एक इस गाल में मारता, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें यही एक बात कही कि जो अदर देन टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आप क्लास के लास्ट में पूछिए, लेकिन अगर भगवान कसम खारा अगर तुम सामने होते और समझाने के बाद तुम ये हरकत करते तो दो चांटे तो खींच के तुम्हें मारते ही लपेट के लो, लेकिन अब तुम आप सामने नहीं हो तो बातों से तो मैं सुना ही सकता हूँ। सो शुभम दे सर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, आई अटेंड योर क्लासेज आफ्टर आई इट गेट लाइव। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच ना। सो लेकिन भाई निशांत जी पर इतना गुस्सा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, टीचर हमेशा कूल रहता है। तो ये लेकिन ये चांटे खाने के काम कर रहा कि अभी अभी मैंने कहा कि अदर देन द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन एंड रनिंग इन द क्लास, इफ यू वांट टू आस्क द डाउट इन द लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, दिस इज द डेकोरम ऑफ माई क्लास, दिस इज द रूल ऑफ माई क्लास, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम थिंग्स प्रीवियसली। लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोगों को समझ में नहीं आता, अभी अभी 5 मिनट पहले मैंने यही बात बताई कि जो भी चीजें हैं। तो देखो निशांत कुमार पूछ रहा सर कैपिटल और मनी मार्केट क्या है, अबे उल्लू कैपिटल और मनी मार्केट क्या है ये मैं पढ़ा चुका, अब तू इरेगुलर है इसका मतलब तू रेगुलर ही नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ये देखो चांटे, एक चांटा तो इस चक्कर में मारता है इसको कि इसने बीच में फालतू का सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ कैपिटल गेन में लगा पड़ा और ये कैपिटल मार्केट लेकर आ गया है, मनी मार्केट लेकर आ गया। और दूसरी बात, जब मैं ये पढ़ा चुका और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा चुका और तुम लोग पढ़ चुके, फिर ये सवाल पूछ रहा, तो दूसरा चांटा इसलिए घलता है इसको। तो दोस्तों अभी चांटे घल चुके हैं इसको, अब आगे चलो। दोस्तों अभी एक कैपिटल गेन का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है यदि आपने अपना पैसा शेयर्स में लगा रखा है और अपने शेयर्स 12 महीनों से ज़्यादा के लिए आप बेचते हो, और आपने शेयर्स खरीदे, शेयर को खरीदने के बाद 12 महीने हो गए आपको, उसके बाद बेचे तो इसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और वहीं पर अदर एसेट्स का मतलब है गोल्ड या मान लो कुछ भी हो गया, गोल्ड हो गया, लैंड हो गई, और अगर आपने मोर देन 36 महीने दोस्तों 36 मंथ से ज़्यादा में अगर आपने बेच दिए तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सुनते जाना दोस्तों, शॉर्ट टर्म का मतलब वही शेयर्स के केस में लेस देन क्या 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा, तो दोस्तों शेयर्स लेस देन 12 मंथ्स और ये क्या लेस देन 36 मंथ्स, मतलब अब आप लोग समझ गए। एक लाइन में ख़त्म करते हैं कि अगर आपने कोई भी गोल्ड या कोई भी एसेट्स 36 महीने 3 साल तक के अंदर बेच दिया तो इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म। शेयर्स 1 साल तक शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, खत्म। मान लो अगर आपने कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसे अपने पास 10 महीने रखे और उसके पास बेच दिए तो ऐसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे हम कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स है। मान लो आपने एक ज़मीन खरीदी 10 लाख की और उसे 5 साल बाद बेची तो ये, और 10 लाख की खरीदी थी और 15 लाख की बिकी तो आपको कितना का कैपिटल गेन हुआ, 5 लाख का। लेकिन 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ वो भी कितने,
हाँ वो भी कितने, 5 साल बाद। इसका मतलब है दोस्तों क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और दोस्तों जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं STT, सो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, क्लियर है ना। सो इसे हम कहेंगे दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स का ज्ञान। तो भाई ये हो गए हमारे पास मेन मेन डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के मुख्य मुख्य क्या डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में चलते हैं तो एक टर्म होता है, पहले एक टर्म समझ लीजिए, जिसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, हिंदी में कहते हैं उत्पादन शुल्क। तो एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क क्या होता वो ध्यान से समझिए। तो एक्साइज ड्यूटी और उत्पादन शुल्क क्या है, तो गौतम राम बिहार, हाउ कैन वी इन्वेस्ट आर मनी इन कमोडिटी मार्केट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, निशांत थप्पड़ खाने के बाद कुछ बोल तो ले यार, थैंक यू बोल या सॉरी बोल, इन दोनों में कुछ तो बोल, या फिर वैसी कुछ बोल ले यार जो तेरे मन में हो, तो बिल्कुल सुन रह गया। सो हाउ कैन वी इन्वेस्ट आर मनी इन द कमोडिटी मार्केट, तो मैं आपको बता दूं गौतम राम कि कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है कि एक वो मार्केट, फिर बताएंगे कैसे इन्वेस्ट। कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां पर हम लोग कुछ कमोडिटीज़ पर ट्रेड करें, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, जैसे प्रीसियस स्टोन्स हो गए, अगर इन चीज़ों पर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसे हम लोग, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसे कमोडिटी मार्केट का पार्ट माना जाता है। और दोस्तों पहले हमारे हिंदुस्तान में जो कमोडिटी मार्केट, जो वस्तु बाजार था, इसका नियंत्रक, इसका संचालक था कौन, FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेकिन अभी वो FMC जो है वो SEBI के अंदर मर्ज हो गया है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो कमोडिटीज़ हैं, हाँ कोई बात नहीं निशान, तू अच्छा लड़का है मुझे पता है, पहले भी तुमने बहुत सारे कमेंट करे, पहले भी हमारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इतना सही बोला, नहीं तो तुम्हें सच में मुझे बहुत, अब जब क्लास में मेंटेन करो यार। तो कमोडिटी मार्केट का मतलब मैंने बता दिया क्या है, कि जहां पर हम गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, प्रीसियस स्टोन्स, इन सब की ट्रेडिंग, इन सब का व्यापार करते हैं। लेकिन पहले हमारे भारत में कमोडिटी बाज़ार बिल्कुल सेपरेट था, लेकिन अभी कमोडिटी बाज़ार का जो संचालक है, जो नियंत्रक था, FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसे मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, SEBI के अंदर। तो हमारे हिंदुस्तान में जो कमोडिटी मार्केट है इसको भी कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है, SEBI। तो आप जाकर किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी ब्रोकर के द्वारा कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और इस तरह से निवेश होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब दोस्तों व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क, तो ध्यान से देखिए एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो एक्साइज ड्यूटी को हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो तुरंत लिख लें, उत्पादन शुल्क। मतलब एक वो टैक्स, एक वो कर, एक वो टैक्स एक वो कर जो किसी वस्तु के प्रोडक्शन पर लगे, किसी वस्तु के उत्पादन पर लगे, उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। अगर एक लाइन में समझना है तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब है एक वो कर जो किसी वस्तु के उत्पादन के ऊपर लगता है, उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ऐसे दोस्तों अब जो एक्साइज ड्यूटी है वो दो तरीके का हिंदुस्तान में, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जिसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जैसे केंद्र उत्पादन शुल्क कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, एक जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और उसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, राज्य उत्पादन शुल्क कहते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क हिंदुस्तान में दो तरह की है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एक स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राइट नाउ। सो जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक स्टेट गवर्नमेंट ले तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जरा ध्यान से सुनिए अच्छी तरह। अब भाई ये सेंट्रल और स्टेट का क्या मतलब है, बिल्कुल सिंपल दोस्तों, जितनी भी चीजें आप अपने घर में देख रहे हैं इस समय, या जहां बैठे हैं वहां देख रहे हैं अपने आसपास, तो जैसे मेरे सामने ये कैमरा हो गया, ये LED हो गई, ये मार्कर हो गया, ये शर्ट हो गई, ये वॉच हो गया, ये माइक हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये AC हो गया, दोस्तों इन सब के प्रोडक्शन के ऊपर, इन सब के उत्पादन के ऊपर टैक्स लगाने का काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एवरीबॉडी, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसे हम कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और उसे हम कहते हैं केंद्र उत्पादन शुल्क। हाँ कुछ चीज़ें छोड़कर, जैसे एल्कोहल, नारकोटिक्स, टॉयलेटरीज, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम,
अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें तो भाई एल्कोहल, नारकोटिक्स, टॉयलेटरीज, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, ये क्या होते भाई? एल्कोहल, दारू सब जानते हैं, जो दो चार तो पीते भी होंगे दोस्तों। नारकोटिक्स क्या होता है? हैश, हेम्प, ओपियम, चरस, गांजा, वीम, हैं कई फूक भी रखे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है टॉयलेटरीज, टॉयलेट के जो क्लीनिंग आइटम्स होते हैं, पेट्रोलियम जानते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ। दोस्तों इनके प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाने का काम करता है स्टेट, एवरीबडी, कौन? स्टेट, और उसे हम कहते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पादन शुल्क। इनके अलावा बाकी सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसे हम कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, राइट? तो इसका मतलब है दोस्तों, अब दिखाते हैं थोड़ा सा ज्ञान। इसीलिए दारू के प्राइसेस स्टेट टू स्टेट अलग अलग होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए दोस्तों जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ऐसे हम कहेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, जिसे हम कहते हैं सीमा शुल्क। भाई कस्टम ड्यूटी और सीमा शुल्क क्या होता है? तो सिर्फ एक लाइन में देखें, ओके बेटा गौतम, तो एक लाइन में देखें तो कस्टम का मतलब है सीमा, अर्थात एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाए, अर्थात आयात और निर्यात के ऊपर जो टैक्स लगाया जाए, उसे हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी, और उसे हम कहते हैं सीमा शुल्क, राइट? तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगे उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? वो है सर्विस टैक्स, सेवा कर। अब भाई ये सर्विस टैक्स सेवा कर क्या है? कि जो भी कस्टमर किसी भी प्रकार की सेवाएं ले, उस समय वो जो टैक्स पे करे उसे सर्विस टैक्स कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को हम टाइम्स कोचिंग दे रहे हैं, सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, सेवाएं, तो आपने जो हमें फी दी है उसमें मान लो हमने एक टैक्स लिया है, जैसे बोलते हैं सर्विस टैक्स। चूंकि आजकल नाउ इट इज़ कॉल्ड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो अब GST क्या है बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा दोस्तों, और बेहतरीन ज्ञान देंगे GST का। लेकिन उससे पहले जरा इसे समझें, तो सर्विस टैक्स का मतलब है बस एक लाइन के, सेवाओं को प्राप्त करने पर कोई भी ग्राहक जो टैक्स देता है उसे सर्विस टैक्स कहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि सरकार ने सर्विस टैक्स लगाया मेरे ऊपर, मैंने बर्डन शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर, तो आप गए रेस्ट्रो वाले ने आपको दी है सेवाएं, आपने वहां दिया है कर, दिस कॉल्ड सेवा कर। तो वसीम जी क्या कह रहे हैं? स्टेट से टू स्टेट में जाने पर भी लगेगा सर, स्टेट टू स्टेट। अभी बताते हैं एक बात और, अभी बताते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। पहले हमारे हिंदुस्तान में सर्विस टैक्स 12.36% था, फिर इसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया, फिर इसके ऊपर 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगाया गया, फिर 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाया गया, और बाद में इसको GST में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या है ये सब बातें? GST वो बाद में बताएंगे। एक और होता है जिसे बोलते हैं CST, शायद वसीम ये आपका आंसर हो सकता है, या आप यही पूछ रहे हैं। तो CST क्या होता है? तो CST का मतलब है सेंट्रल सेल्स टैक्स। व्हाट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स? रोहन सर, सर्विस टैक्स कंपलसरी है देना? यस रोहन, और मैं आपको बता दूं, आप सुनना चाहते हैं नहीं, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दें तब मैं आपका जवाब दूंगा। तो आप सुनना चाहते हैं कि आपने कहा कि सर्विस टैक्स, सर सर्विस टैक्स कंपलसरी है देना, तो आप सुनना चाहते हैं नहीं? विद्या माता कसम बेटा, पहले सही से बताना फिर हम तुम्हारा जवाब देंगे। तो आप हमसे सुनना चाहते हैं नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। दोस्तों CST क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब है कि जब हम एक राज्य से कोई वस्तु खरीदें और दूसरे राज्य में जाकर बेचें तो उस पर लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या वसीम यही सवाल था आपका कि स्टेट टू स्टेट में जाने पर? तो स्टेट टू स्टेट में जाने पर मतलब जाने पर तो नहीं, लेकिन कोई वस्तु, जैसे मैंने मान लो राजस्थान से साड़ियाँ खरीदी, और राजस्थान से साड़ियाँ लेकर मैंने उसे जाकर लखनऊ में, पंजाब लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेच दी। सो दिस इज कॉल्ड एक राज्य से कोई भी वस्तु खरीदी और दूसरे राज्य में बेची, तो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट टैक्स लगता था CST। था क्यों बोला ये हम बाद में बताएंगे। हाँ सर नहीं सुना था ना, नहीं हाँ सर नहीं सुनना था, क्योंकि मेरे को यही पता है। यस दोस्तों
टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट। तो बेटा तुम क्या सुनना चाहते, कितने सवाल हैं, टीचर को सब पता रहता। अब तुम्हारा जवाब देते हैं के नहीं। सो दोस्तों आपको सवाल था सर सर्विस टैक्स कंपलसरी है देना, तो हाँ सर नहीं सुनना था, अच्छा तुम्हें सुनना था नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ। तो दोस्तों सर्विस टैक्स कंपलसरी है देना, क्यों? क्योंकि दोस्तों जरा ध्यान सुनिए सर, जो गाड़ियों पर अच्छा बताएंगे नीलम जी। तो दोस्तों रोहन राणा बता दूं आपको, सर सर्विस टैक्स कंपलसरी देना, तो आंसर है यस, हाँ कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं दोगे तो गर्दन दबोच दी जाएगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो रोहन सुनना चाहते थे वो सर्विस टैक्स नहीं है, वो सर्विस चार्ज है बेटा रोहन, वो सर्विस चार्ज है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस चार्ज को क्या कर दिया, वॉलंटरी कर दिया। मतलब यदि आप कहीं जाते हैं और आपको वहां पे सर्विसेज सेवाएं पसंद आती हैं तब आप सर्विस चार्ज दीजिए, अदरवाइज सर्विस चार्ज मत दीजिए, लेकिन सर्विस टैक्स देना पड़ेगा नहीं तो गर्दन दबोच दी जाएगी। आप मेरा शायद समझ गए हैं। जैसे आप जाते थे पहले, मैं गया मान लो बार गया कई वीकेंड पर, तो दोस्तों आप वहां गया तो वहां पर लगता है टैक्स, वहां पर आता है बिल, तो बिल में लिखा रहता है सर्विस टैक्स, लिखा रहता है सर्विस चार्ज, दोनों लिखे रहते हैं। तो अब ये सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज क्या है, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस है, बढ़िया डिफरेंस है, एक मिनट में सीख जाओगे, ध्यान सुन लेना। सर्विस टैक्स का मतलब है कि सेवाओं के ऊपर वो चार्ज लेना, वो पैसे लगाना जो पैसे सीधे सरकार को जाने हैं। सर्विस चार्ज का मतलब है कि वो अमाउंट लगाना जो सर्विस प्रोवाइडर की जेब में जाएगा, तो उसे बोलेंगे सर्विस चार्ज। जैसे दोस्तों हम आपको यहाँ पर टीचिंग में सर्विस दे रहे हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि बेटा 2000 रुपये आपकी फीस है, इसके ऊपर इतना परसेंट सर्विस टैक्स है और इतना रुपए सर्विस चार्ज है या इतने परसेंट, तो इसका मतलब क्या कि जो सर्विस टैक्स हमने आपसे लिया वो एज इट इज उठाकर गवर्नमेंट को दे दिया, जो सर्विस चार्ज लिया वो उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन दोस्तों सर्विस चार्ज अब हो गया वॉलंटरी, मतलब अगर आप चाहें तो, अगर आपको सर्विसेज पसंद नहीं आई तो आप अपना सर्विस चार्ज पे करने से डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन सर्विस टैक्स आपको देना होगा। रोहन राणा बताओ ईमानदारी से पैसा वसूल हुआ या नहीं? नीलम खान ने कहा कि सर जो गाड़ियों पर टोल टैक्स लगता है वो, तो मैं आपको बता दूं जो टोल टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, बस इतना समझ लीजिए, जो टोल टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, लेकिन जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर जो टोल्स NHAI ने बना रखे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। बाकी जब आप टोल्स, जब आप एक स्टेट में जैसे हरियाणा, तो हरियाणा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जो टोल्स आ रहे हैं बीच में एक ही स्टेट की बाउंड्री के अंदर, तो उस पर जो टैक्स लगा वो सेंट्रल, वो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया, दैट इज कॉल्ड टोल टैक्स। रोहन राणा यस ऑल क्लियर। सर इफ अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन अ स्टेट एंड सोल्ड इन अदर स्टेट देन ऑन विच स्टेट द टैक्स वुड बी इम्पोज, तो दोस्तों जहां पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन वन स्टेट एंड सोल्ड इन अदर स्टेट, देखो अब जहां प्रोड्यूस हुआ तो किसी ना किसी ने तो वहां से खरीदा और पे किया और बेचा कहीं और, दोस्तों जहां खरीदा वहां पे करना होगा उसे CST, दैट इज कॉल्ड सर सेल्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर मैं बार में नहीं जाता, कोई बात नहीं मैं तो जाता भाई। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मेरी क्लास कहीं और है, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ध्यान सुनिए अगली क्लास यहाँ से शुरू होगी, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स से, तो अगली क्लास में स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेशन बताएंगे, फिर टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, फिर GST, दैट्स इट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देम, गॉड ब्लेस यू ऑल।